बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्रीन चटनी की रेसिपी। ये एक चटनी इतनी सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, समोसों में, पकौड़ों में, दही बड़ों में, बर्गर में, और इसी चटनी से हम रायता भी बना सकते हैं। बस दही हमें ऐड करनी होती है, 2-3 टेबल स्पून जो है हम दही वो चटनी इसमें ऐड कर देते हैं दही में, तो हमारा जो रायता है वो भी मज़ेदार तैयार हो जाता है। तो ये चटनी बहुत ही यूज़फुल चटनी है, और इसको फ्रीज़ कर दें तो लंबे अरसे तक चलती है चटनी। और यहाँ पे जो है हमने लहसुन लिया है, थोड़ा सा हरी मिर्चें लिए हैं, 3-4 हरी मिर्चें लिए हैं, मोटी वाली और बारीक वाली लेने आप, और थोड़ा सा पुदीना लिया है। अच्छा, पुदीना और जो हरा धनिया है उसकी क्वांटिटी, पुदीना हमने कम लेना है, हरा धनिया हमने ज़्यादा लेना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। पुदीना हमने ज़्यादा नहीं लेना है, पुदीना बस थोड़ा सा ही हमने यूज़ करना होता है, वरना चटनी हमारी अच्छी नहीं बनती ज़्यादा। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि हरा धनिया ज़्यादा लिया है, पुदीना कम लिया है। 1/2 टीस्पून जो है हमने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, और 1/2 टीस्पून के करीब ही जो है हम यहाँ पे नमक ले लेंगे। नमक अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसे मसला नहीं है। और यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, जिसको देख के आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम 3-4 टेबल स्पून इमली का पानी, इमली का पल्प जो होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है। कोई भी इसमें हरा धनिया पुदीना साबुत ना रहे, लहसुन जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तो थोड़ी देर अच्छे से इसको ब्लेंड करें और किसी भी कंटेनर में इसको कन्वर्ट कर लें अच्छे से, और एयरटाइट कंटेनर में आप इसको रखें। ये अच्छी चलती है चटनी, और वैसे तो ज़्यादा देर बचती नहीं है। बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक देना ना भूला करें, और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और इसी चटनी को आप दही के साथ मिक्स करके रायता भी बना सकते हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।